अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नहर पे मौजूद हैं और आपको पाकिस्तान के नहरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, ये मुजफ्फरगढ़ में नहर है, तलीरी डिस्ट्रिक्ट इसका नाम है। ये इस मकाम पे बाईफ्रिकेट हो रही है, ये देखें, ये इधर को भी जा रही है और ये इधर को भी जा रही है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए आए होंगे, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। पाकिस्तान का नहरी सिस्टम दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम है जी, तकरीबन 150 साल पुराना है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की नहरें बहती हैं, पेरिनियल नहरें भी हैं और नॉन पेरिनियल भी हैं। जो पेरिनियल नहरें हैं वो सारा साल बहती हैं, डैमों से और बैराज से निकाली जाती हैं, और जो नॉन पेरिनियल हैं वो सारा साल नहीं बहती, वो बारिशों पर डिपेंड करती हैं। शशमाई नहरें भी होती हैं, सहमाई नहरें भी होती हैं। ये शशमाई नहर है जिसमें सिर्फ 3 महीने पानी रहता, 6 महीने पानी इसके अंदर आता है, बाकी 6 महीने ये खुश्क पड़ी रहती है। ये देखें जी, पानी का म्यूज़िक यहाँ पे आप सुन सकते हैं। ये देखें, यहाँ से बाईफ्रिकेट होके 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है। ये देखें, इधर को भी जा रही है, आपको दिखाते हैं। बच्चे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पे नहा रहे हैं। ये देखें जी, ये बच्चे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, यहाँ पर कम गहरी है नहर तो बच्चे यहाँ पर नहाते रहते हैं। इसके अंदर छोटी मोटी मछली भी होती है, आजकल वो नहीं बैठे लोग, बाज़ का जहाँ पे लोग बैठे हैं, ये ग्रीनरी जहाँ बनी हुई है यहाँ पे लोग बैठ के मछली पकड़ते हैं। ये आप इसका म्यूज़िक सुन सकते हैं, शोर सुन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नहरें हैं तकरीबन उनकी लंबाई 0.7 मिलियन किलोमीटर है। ये नहरों के नवाई इलाकों को स्पेशली धान चावल की फसल के लिए और कपास की फसल के लिए जो है पानी सप्लाई करती हैं। व्यूवर्स, अगर आप आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।